card stacks. So आप कोई array use नहीं कर सकते, आप कोई queue use नहीं कर सकते, stack use कर सकते हैं. You want to make a copy of the stack. A copy of the stack. इसका नाम तो रखते हैं S1, of stack S1. ये stack S1 है, आपको पता है stack में कौन-कौन से function होते हैं? Push pop और sorry. हाँ. So ये stack है, इसके अंदर let's say आपके पास पड़ा हुआ है A, B, C और D. अब आप अगर आपने पहले push किया था D, फिर आपने push किया था C, फिर push B expect. आपने करना ये है कि आपने सिर्फ दो stack use करें. So I can maximum allow you two stacks. आपने इसकी copy बना दी है, the copy should exactly look like, obviously चूंकि copy है, it should look like A, B, C, and so third man, like it's आपके मेरे पास है, फिर उसको दोबारा stack two में देना पड़ेगा. कैसे करेंगे? तीन stack use करेंगे. तीन stack करेंगे. एक already है हमारे पास. हाँ? एक already है. एक के अंदर constraint ये है कि सिर्फ दो stack use. तो हम उसको दो-दो तो कर सकते हैं उसमें. एक बार. So ये initially खाती है. हाँ ये A, B, C नीचे A, B, C आ जाएगा. सही है. A आ जाएगा इधर नीचे, B, C, D, वो empty हो जाएगी. ये empty होगी. तो ये total. हाँ तो फिर उसमें क्या आ रहा है? तो ये तो original ही आ जाएगा वापस. तो copy नहीं ना? इस तरह तो फिर ये उल्टा. नहीं खाली होगी, फिर वापस खाली होगी. हाँ और हम दो लाइन यहाँ आ गया, यहाँ आ गया D, C, B, A, ये खाली हो गया. मैंने तो कहा था दो बनानी होगी सर. दो बना सर जब वो करोगे उसी के साथ उसको भी कॉपी करते हैं. यस फर्स्ट वाली का हमें हम पुश कर रहे हैं. फर्स्ट वाली को पुश कर दिया. ठीक है इसी के हमारा स्टार्टिंग सिचुएशन आ गई है. ए को मैं यहाँ डाल दूँ तो मसला ये है कि होता ही है कि जब क्योंकि स्टैक ऐसे काम करता है फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट. सॉरी तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में ये है कि जो आखिर में चीज बना रही थी सबसे पहले आएगा तो उल्टा बन जाएगा. ए बी सी डी बन जाएगा. चाहता मैं ये हूं कि नहीं ये इसमें भी सीधा डाटा है. एंड आई कैन नॉट एक्चुअली एक्सेस द एरे इनसाइड द स्टैक. ठीक है तो मैं स्टैक की क्लास यूज कर रहा हूं. ओनली फंक्शंस आई हैव अ पुश पॉप और टॉप. टॉप होता है टॉप ये जो ऊपर से रीड करता है यही फंक्शन है. या एक एक ये भी कर सकते हैं साइड इज एम्प्टी इज एम्प्टी इज एम्प्टी इज गुड इज एम्प्टी और दो ही स्टैक्स. काफी टिपिकल किस्म का क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में क्रैश टेस्ट करके जल्दी होते हैं. सो कैसे है स्टैक है तो क्या है आई स्टैक है वो लास्ट ये बना बनाया स्टैक है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर लास्ट इन फर्स्ट आउट टी को मैं डायरेक्टली नहीं खा सकता. सर इंडेक्स वाइज यूज करना है इसको एज एन इंडेक्स वाइज यूज करनी है. जो फर्स्ट इंडेक्स की है वो पहले पर है. ये भी स्टैक है. इसमें भी मैंने पुश किया था जो चीज मैं पहले पुश करूंगा वो यहाँ इट विल एंड अप हियर. लेंथ लेके लेंथ रिवर्स कर उस लेंथ जो ये स्टैक स्टैक ना स्टैक के क्वेश्चंस पुश पॉप है बस. पुश पॉप रीड द डॉग.
सर कोई और डेटा स्ट्रक्चर भी यूज नहीं कर सकते। I do not care about this stack. मैं ये चाहता हूँ इसके कंटेंट एक्जेक्टली यहाँ होंगे आपके पास। इसमें जो मर्जी वर्ड के हो, इधर हो गया। तो ऑर्डर सीधा है। जितने ये हैं इवेंट्स हैं, इतने हम वही बना सकते हैं। नहीं यार वो तो फिर एक और अरे बन गया ना। इस तरह की कंस्ट्रेंट को देने के लिए आपको आमतौर पर कहा जाता है कि यू कैन यूज ओ ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ वेरिएबल, एक दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल रख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि अगर एन एलिमेंट्स हैं तो एन वेरिएबल रख लिया या सब वगैरह। वेरिएबल्स में सेव करवा लेंगे ऊपर वाले तो एक चले जस्ट शुरू करते हैं। ये निकाला, ए निकाला, और हमने नोटिस किया कि यार ये तो नीचे चला जाएगा, फायदा तो नहीं होगा। अच्छा ए को रख लेते हैं, एक वेरिएबल रखा हुआ है, इसमें ए रख लिया। अब क्या करेंगे, कितने वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं? ए अच्छा आवाज है। Good start to put A here. तो मैं बताऊँ एक क्वेश्चन? नहीं यार। B को कुछ कर देगा उसको। B इधर आ गया। A को भी कुछ कर लेंगे। A को यार? तो C को उसमें ले जाएंगे। C को उसमें ले जाएंगे? ये यहाँ आगे क्या पता है? ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको रिवर्स कर लें किसी तरह, अगर मैं इसको किसी तरह रिवर्स कर लूँ तो उसको मैं इधर देख लेके आऊँगा, वो सीधा हो जाएगा। सीधा हो जाएगा। तो अगर मैं ए किसी तरह इसके नीचे ले जाऊँ बॉटम तक, लाइक ए आपने यहाँ रखा हुआ ना, ए को यहीं रखना है। अब क्या किया जाए? स्टैक रिवर्स करें। सी को ले जाओ। इधर ये रिवर्स हो जाएगा तो ये सीधा, ये भी सीधा हो जाएगा। सी फिर डी, सी इधर आ गया, डी इधर आ गया। चलो ये अच्छी बात। अब ए को कहाँ रखना चाहिए? नीचे। ए को यहाँ। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि फॉर मी दिस पार्ट ऑफ द स्टैक इज लाइक डेड। इतना मसला हल हो गया है ना, इतना जो पार्ट ऑफ द स्टैक है उसके बारे में मैं डोंट केयर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि बी किसी तरह यहाँ, ठीक है ना, ए यहाँ आ गया तो बी यहाँ आ जाए, सी यहाँ आ जाए, डी यहाँ आ जाए। ये बात है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट आई कैन जस्ट ब्रिंग एवरीथिंग बैक। कवर अप नॉइज का सर, उससे मैं डिसीजन दे दूंगा। नहीं है सर, ये यहां आ गया तो क्या होगा? डी सी बी, ठीक है, ये तो डी सी बी। ओके, अब इसका मतलब है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? अब इतनी लाइन यहां, मेरे को लाइन लगी हुई है एक, यहां तक का मसला हल हो गया। अब ये जो बाकी है ना, इसमें से क्या करना चाहिए? बी को वेरिएबल में D को यहाँ शिफ्ट कर दे, C को फिर C, C इधर आ गया, D इधर आ गया, B कहाँ जाएगा? यहाँ B यहाँ जाएगा, right? ये फिर वापस आएगा। मेरा यहाँ तक तो मसला हो गया। B को एनिमल में रखेंगे और C को उधर। Exactly, D को यहाँ रख दिया, C को इधर ले आए। अब ये मसला वैसे ही हल हो गया क्योंकि अब एक ही एलिमेंट रह गया, तो आई कैन एक्चुअली जस्ट पुट D हियर। अब इसको एक दफा यहाँ ले, ये पार्टी खाली हो गया। एंड आई हैव दिस कॉपी, आई सी वो अभी भी रेडी हो गया ना। हां इसलिए मैं बाबा कहता, आई डोंट केयर अबाउट इट। ये तो मैं पहले ही, हां ये दिस फंक्शन वाज जस्ट टू ट्रांसफर कॉन्टैक्ट्स हियर फ्रॉम हियर टू हियर। आप समझ लें कि एक प्रिंटर की जॉब्स लगी हुई है, एक प्रिंटर की है, दूसरे प्रिंटर की आपने मूव कर दी है यहां से। यू जस्ट वांट टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर एंड द कंस्ट्रेंट यू हैव इज इफ आई सिर्फ स्टैक। और ये भी अनरियलिस्टिक है कंस्ट्रेंट, ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम बनाने के लिए बनाया गया है। अदरवाइज तो आपके पास स्टैक के अलावा क्या, आप जो मर्जी यूज करते हो स्टैक यूज करें। इस चीज के अंदर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम नंबर 7 है, ये 7 नहीं एक्चुअली, प्रॉब्लम नंबर 3 है। स्टैक को ना आपने एक एक्स्ट्रा मेथड आपने दे दिया, एक्स्ट्रा मेथड है गेट मेन। बनाना स्टैंडर्ड स्टैक है और
a dot, then I get this. So you should have push, pop, top, get bin, and all of these should be O of 1. Just like stacks mein hota hai, right? Push bhi O of 1 mein, pop bhi O of 1 mein, top bhi O of 1 mein, lekin ek usse sath ye bhi method hai ki I can always ask the stack to minimum element bata do. और वो मिनिमम एलिमेंट जो है वो आपने बताना है. और इसमें भी कंस्ट्रेंट ये है कि आपके पास एक तो आप ये मेथड्स यूज कर सकते हैं, दीज आर द मेथड्स यू कैन यूज, एंड यूज दीज, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द स्टैक, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द स्टैक, ठीक है. एंड देन यू ऑल्सो वॉन्ट टू गिव दिस गेट मेन फंक्शन, okay, and you can only use stacks. So after stack bana rahe hain, let's call that stack a special stack. ठीक है? तो special stack बनाने के लिए आप सिर्फ stacks ही regular stacks use कर सकते हैं. Regular stacks में ये तीन functions हैं. Top, user, pop. ठीक है? आपके special stack में आप एक और function देना चाहते हैं. Get min. तो मैंने stack में अगर कोई मुझे कहता है कि अपने special stack में कुछ push कर दें, तो obviously मैं push use करके उसे push करूँगा. टॉप दिखाना है तो टॉप भी दिखा दूंगा, पॉप करना है तो पॉप का मेथड यूज कर दूंगा. गेट मिन में प्रॉब्लम होगा क्योंकि मिनिमम एलिमेंट स्टैक में कहीं भी हो सकता है. तो अगर इस तरह से स्टैक है और उस स्टैक में पड़ा हुआ है 4, 8, 1, 3 और लेट्स से ये टॉप है, तो मिनिमम तो 1. सॉर्टिंग कैसे करते हैं? सॉर्ट करते हैं. सॉर्ट करना तो उससे बड़ा मसला है. पुश करते हैं, सॉर्ट करते हैं. एक एलिमेंट आएगा और फिर तो पहली बात ये है कि स्टैक में मैं अपने किसी काम के लिए डाटा डाल रहा हूँ, मैं उसको सॉर्ट नहीं कर सकता. स्टैक की तो बात ही है ना कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए. अगर मैंने डाटा सॉर्ट कर दिया तो फिर तो फर्क नहीं. पुश करते हो सॉर्ट करने नहीं नहीं अगर मुझे सॉर्ट अगर मैंने डाटा कर दिया तो फिर सॉर्ट करने का स्टैक इज नॉट अ सॉर्टेड डाटा स्ट्रक्चर. स्टैक ऑलवेज फॉलोज लास्ट इन या लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये तो होना चाहिए. सर वो पहले इंडेक्स में जो है ठीक है, फिर वो अभी इंडेक्स को चेक करे, अगर वो उससे ग्रेटर है ठीक है तो उस वाली जो 3 आया ना उसको उसमें मूव कर दे मिनिमम में, ठीक है. लेकिन ये स्टैक और बिग ओ ऑफ वन में चला जाएगा और दूसरा बिग ओ ना. सर वो हमने मिनिमम का जो बनाया हुआ ना, एक हमने अंदर वेरिएबल में बनाया है उसमें मूव कर देगा. अच्छा ठीक है, 3 को उसमें मूव कर दे क्योंकि उसी तरह सारी इंडेक्स को चेक करे. अब इसमें तो ये बात आप सही है कि एक मिनिमम का वेरिएबल बना दे. ऐसा कर लेते हैं, होता ये है कि मेरे पास एक स्टैक पड़ा हुआ है, मैंने जो मेरा स्पेशल स्टैक है उसके इनसाइड मैंने एक ऑर्डिनरी स्टैक यूज किया है. ये थोड़ा आपका स्पेशल स्टैक है, ये जो स्पेशल स्टैक है इसके अंदर एक ऑर्डिनरी स्टैक है. इस ऑर्डिनरी स्टैक के अंदर जो आपके पास नंबर आते हैं, एक आपको कह लेंगे मिन रखती है, ठीक है. तो नंबर आते हैं मेरे पास, लेट्स से किसी भी ऑर्डर नंबर आ सकते हैं. लेट्स से मेरे पास 8 आता है, जब एक ही नंबर है तो 8 में तो नंबर ही है, दो ही नहीं. नंबर 2 आता है तो 2 मिन बन जाएगा, ठीक है. उसके बाद 1 आता है, 1 को इस बदल ऑर्डर को आउट ऑफ ऑर्डर. 6 आता है तो 2 ही मिन रहेगा, राइट सर. 4 आता है 2 ही मिन रहेगा, राइट सर. 1 आता है तो ये मिन बन जाएगा, राइट सर. चलो उसके बाद लेट्स से एक और करते हैं, 5 आता है तो यहां पड़ेगा 1 ही मिन. अब ठीक है, कोई मुझे कहता है कि यार पॉप करो, वह एलिमेंट पॉप करके दे दो, बात कर दूंगा, ठीक है. कोई कहता है कि भाई पुश करो, चुप करके पुश कर देंगे, अभी मैं आपको दिखाया पुश कैसे करेंगे. 2 पुश करना है, मिनिमम से कंपेयर करेंगे, 2 इज बिगर देन 1, तो इट डज नॉट चेंज द मिनिमम, तो आई जस्ट पुट 2 ऑन द टॉप. ऐसे ही रजिस्टर करता है. प्रॉब्लम ये आएगी मैं कहता हूँ आप पॉप करें, अब कहते अच्छा जी ठीक है पॉप कर दिया, हो गया. अब कहते हैं फिर पॉप कर दिया, अब आपका मिनिमम चेंज हो गया, राइट सर. तो वो वैल्यू भी तो स्टैक में ना, हाँ लेकिन ये तो मिनिमम स्टैक का 2 है ना. अब स्टैक का मिनिमम 2 है, मैं ये 1 ओ ऑफ 1 में कैसे अपडेट करूँ उसकी. तो आई कैन मेंटेन अ मिनिमम, लेकिन वो फर्स्ट मिनिमम तो रखेगा, लेकिन अगर वो मिनिमम ही पॉप हो गया तो उसके नीचे जो पहले मिनिमम था उसका क्या बनेगा. इसका मतलब है ये पता चल रहा है कि एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा. आई माइट हैव टू कीप मोर देन वन वेरिएबल,
और क्वेश्चन अगर स्ट्रेटी है कि यू कैन ओनली यूज स्टैक्स तो आई गेस आई कैन कीप अनदर स्टैक क्वेश्चन ये बन जाता है कैन यू यूज अ स्टैक एंड देन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बजाय एक मिनिमम वेरिएबल रखने के एक मेन स्टैक रखा हुआ ठीक है और अब जरा सोचेंगे इसको कैसे कर सकते हैं यहां पर 1 आया था यहां पर 5 आया था कैसे हो और जो चीज मेंटेन करनी है वो फॉर आइडिया आपका ठीक है उसी को जरा एक्सटेंड करते हैं सर वो ऐसा कर लेंगे जो हमने इसमें पहले जो मिनिमम आते जा रहे हैं मिनिमम में जो वेट आते हैं वो हम इस मिनिमम स्टैक में मूव कर देंगे ठीक है फिर जब हम यहाँ से पॉप कर रहे हैं ना तो वो इसे इसके यहाँ से कंपेयर करना शुरू कर देगा सही हो गया ये मेरा रफली जरा हाँ जी सही है सही है तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम एक की बजाय एक मिनिमम स्टैक करता है पहली बार मिनिमम स्टैक करते हैं तो शुरू में 8 मिनिमम है देखिए 8 इसमें 8 2 से भी कम है तो टॉप ऑफ द स्टैक को आप देखेंगे ना क्योंकि टॉप पे आपका मिनिमम है उससे भी कम है 2 यहां आ गया ठीक है बहुत ही खत्म अब आपने 6 पुश करना है तो 6 2 से बड़ा है इट इज नॉट अ मिनिमम ऐसे ही है ना यस सर तो 6 यहां नहीं आएगा because it doesn't make sense कि मैं 6 में डालूं क्योंकि it's not available अच्छा ठीक है 4 नहीं आएगा 1 आएगा 5 नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि एक minimum उसका stack maintain हो गया और जो top of the stack पे जो चीज पड़ी हुई है ना वो वही चीज है जो कि current minimum ठीक है जी अच्छा अब जब मैंने यहाँ से pop तो push तो push का mechanism हमने देख लिया कि push ऐसे करना है जो data आता है वो यहाँ push करना है लेकिन उससे पहले उसको टॉप ऑफ द मिनिमम स्टैक से कंपेयर कर अगर वो उससे छोटा है तो उसको इस पर पुश कर दे तो ओ ऑफ 1 में ये काम हो गया ओ ऑफ 1 में इसका पुश ओ ऑफ 1 में इसका पुश ठीक है ये बात हो गई अब नेक्स्ट चीज ये है कि अगर जब मैंने यहां पॉपिंग करी पॉपिंग करते हुए मेंटेन किया यहां पे हम इसको गौर से देख रहे हैं लेकिन मुख्तलिफ केसेस हैं अगर जो मैं चीज यहां से पॉप कर रहा अगर वो चीज मिनिमम से बड़ी है अच्छा पहले मैं आपको गौर कर जो चीज मैं यहां से पॉप करता हूं वो क्या मिनिमम से छोटी हो सकती है हो सकती है yes, yes. नहीं हो सकती नहीं हो सकती ना इसीलिए तो ये मिनिमम में आता ठीक है कोई मसला नहीं जो चीज यहां से वॉक की है वो मिनिमम से छोटी नहीं हो सकती इसका मतलब है जो चीज आ रही है वो या तो मिनिमम से बड़ी होगी या मिनिमम के इक्वल होगी अगर मिनिमम से बड़ी है वी डोंट केयर जो मिनिमम से बड़ी चीजें हैं वो वैसे हो जाएंगी ठीक है 5 हो जाएगी कोई मसला नहीं इसके बाद अगर 5 8 9 3 11 कुछ भी पड़ा था वो सारे खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो 1 को बीट नहीं कर सके 1 तो मिनिमम में यहीं पड़ा जब मिनिमम खुद आ गया तब क्या करेंगे वहां से रिमूव कर देंगे यहां से रिमूव हो गया ठीक है अब ये नेक्स्ट मिनिमम 2 है और जब तक 2 खुद नहीं आता जितनी चीजें और हैं दे कैन जस्ट बी पॉप राइट तो ये पॉप हो जाएगा अगर पॉप करना चाहते हैं पॉप हो जाएगा 2 आया तो ये भी पॉप तो as soon as you get the next element which is the minimum also on the top of the stack तो आप यहाँ से minimum को उड़ा देंगे otherwise you just maintain ये तो इस तरह आप two stacks O of one में आपके function जैसे तक get नहीं which is also and O of one function और सिर्फ stack ही होता सर अगर repeated values होती हैं हाँ repeated values होती हैं तो फर्क नहीं पड़ता आप देखें यहाँ पे कैसे 8 2 था टू यहाँ आ गया सिक्स आया फाइव आया ठीक है फिर टू आ गया yes. अब फर्क नहीं पड़ता क्या पड़ता है सर जब पॉप करेंगे हाँ that's a good point अच्छा टू आ गया तो टू मिनिमम है अब आप टू को पॉप करेंगे ये पॉप हो जाएगा ओह माय गॉड ये टू मिनिमम मसला हो गया यार कुछ लोग हमेशा मसले डालते हैं अच्छा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि यू प्रोबेबली कैन कीप यू हैव टू कीप एन एस्ट्रा अकाउंट यस यस सर जैसी वैल्यू आती है ना और वो मिनिमम नहीं भी है तो हम मिन स्टैक में फिर भी पुश करवा देते हैं मिनिमम अच्छा तो दोनों स्टैक्स का साइज बराबर होगा इस तरह
उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें मिनिमम चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पॉप एक ही लेवल पे पॉप कर देंगे और मतलब चेक्स मेरे ख्याल है, लेकिन आई गेस वो जो आप पुश कर रहे हो ना, एक्स्ट्रा पुश कर रहे हो, यस सर, वो भी तो है प्रेशर, वो काम फायदा एक पुश पे मतलब दो पुश हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप एक कंपेरिजन को छोड़ के पुश कर रहे हो तो वो कॉपी ऑपरेशन तो हो रहा है लिहाजा वो। ओके, एक और बड़ा फेवरेट सवाल है वो यार, मैं यहाँ पे गेस्ट पेपर दे रहा हूँ आपसे, वो है कि अगर आपके पास फिर से आप एक बना रहे हैं, वो एक अनडू फंक्शनैलिटी बना रहे हैं समथिंग, राइट, और आपने एक अनडू के लिए आप स्टैक इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पता है कि अगर पिछले इतने ऑपरेशन जो है वो आप अनडू करने स्टैक, व्हाट इफ यू वांट अ स्टैक जिसमें कि आपके पास यू वांट द लास्ट के ऑपरेशन टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है, द लास्ट के, तो अगर अभी तक 1000 ऑपरेशन टोटल हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि मेरे स्टैक जो है ना वो आखिरी 50 जो है ना उसको याद रखें और वो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर याद रखें, ऐसा स्टैक आप कैसे बनाएंगे और सारे ऑपरेशन ओ ऑफ वन रहने चाहिए? नहीं तो आप बता दें लास्ट, नहीं आप बता दें लास्ट 50 याद रखनी चाहिए, या लास्ट 50 याद रखें जी, फर्स्ट है जो, और लास्ट 50 का मतलब ये हुआ कि रिवर्स में होगा, नहीं नहीं लाइक अगर अभी तक लक्ष्य की आप समझो कि लाइक सपोज कि मैं ए बी सी डी लिखा है, हाँ, तो उसको डी सी नहीं याद होना चाहिए, ए बी याद होना चाहिए, हाँ, अगर मैंने ये ऑपरेशन किए ना, अगर मैंने ऑपरेशन किए ए बी सी डी और मेरी मेमोरी सिर्फ साइज 2 की है तो उसको याद होना चाहिए कि लास्ट 2 ऑपरेशन जो थे वो थे डी और सी, ठीक है, जब ई होगा ना तो उसको याद होना चाहिए कि जो लास्ट 2 ऑपरेशन थे ना वो थे ई और डी, बाकी अगर आपने ये आपका मेमोरी स्टैक अलग से सबसे पुराने वाले को निकालने का मतलब है बॉटम वाले को निकालना, ठीक है, यू आर मेकिंग अ स्टैक, राइट, यू आर मेकिंग अ स्टैक, इट शुड वर्क लाइक पुश पॉप फंक्शंस को देने चाहिए, बट इफ यू वांट टू रिमेंबर द लास्ट वन द ओल्डेस्ट वन हाउ डू यू डू दैट इन वो फॉर्म, सो एक मिरर स्टैक बना लेंगे, मिरर स्टैक बना सकते हैं कि अगर जो हम निकालते जा रहे हैं हम दूसरी साइड में ऐड करते हैं। Probably, ये DS में क्या स्कोर है? यार DS की वैसे लेकिन हम डायरेक्टर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्टर। मैं तो सबसे यहाँ आया हूँ। DS ही पढ़ रहे हैं ना? हाँ पढ़ रहे हैं। सर सारे में क्लास हैं? जरूर है। अच्छा आप से सारे में? सॉरी। सर क्या पढ़ा रहे हैं? हम ये स्टैक्स डिस्कस कर रहे हैं। सर इनफिक्स पोस्टिंग्स वगैरह पढ़ाने आप मैं उसकी बात कर लेता हूँ अगर बात कर लेते हैं उसके ग्राम में आप चाहते हैं ना डिस्कस कर लेते हैं हाँ सर बस थोड़ा सा इनफिक्स पोस्टिंग्स इनफिक्स एंड पोस्टिंग्स में प्रश्न सही है तो क्या हो गया ओल्डेस्ट को रिमूव करने का गलती वो फन मिल रहा है स्टैक बना रहे हैं और उस स्टैक के अंदर आप ये चाहते हैं कि उस स्टैक के अंदर ये एबिलिटी है कि वो लास्ट के थिंग्स रिमेंबर करे जो ओल्डेस्ट थिंग है उसको वो इट कैन फॉरगेट दैट राइट और जो बाकी है वो उसको याद जो नहीं आती है वो टॉप पे एक लाइन का इसका जवाब है यू स्टार्ट टू थिंक ऐसा स्टैक कैसे काम करना चाहिए क्वेश्चन ये है कि हम एक ऐसा स्टैक बनाना चाहते हैं जिसकी जो मेमोरी है ना वो लिमिटेड है तो जो ऑपरेशंस हो रहे हैं लेट्स से कि अनडू ऑपरेशन के लिए स्टैक बनाना चाहता हूँ
वो ऑपरेशन बस मैं स्टोर कर रहा हूँ ये लास्ट ऑपरेशन टॉप पे होगा बिकॉज इट्स स्टैक बट व्हाट आई वांट इज दैट आई वांट द स्टैक टू हैव अनलिमिटेड मेमोरी लेट्स से इट हैज मेमोरी ऑफ द लास्ट फाइव थिंग्स यहाँ पे अब एक और चीज अगर होती है लेट्स से अगर सेवन होता है तो दिस शुड बी फॉरगॉटन एंड सेवन शुड बी ऑन टॉप ओके बट द प्रॉब्लम इज दैट टू फॉरगेट दिस आई एक्चुअली हैव टू रिमूव दिस अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो स्टैक में बॉटम से तो आप डायरेक्ट रिमूव कर नहीं सकते You have to like pop everything and then remove this and तो वो तो go off one ही रहेगा. We want this to remain off one. ऐसा stack हम कैसे बनाएं? Array है मेरे पास. इसमें क्या? इसमें तो फिर क्यों बन जाएगा? वो तो आखिरी चीज़ जो उसने डाली है वो सबसे पहले word में निकली है. बनाना है stack ही है जिसमें array में बनाते हैं. अच्छा circular बनाना. Circular बनाना. Right? तो के साइज का स्टैक बना लिया और जो इंडेक्स टॉप यहां पहुंचा तो टॉप के पहले ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट ओवरराइडिंग द नेक्स्ट राइट तो यहां टॉप था उसके बाद जब नेक्स्ट पुश करेंगे तो टॉप कहां आना चाहिए नेक्स्ट पुश सो इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ आखिरी के रिमेंबर करेगा और उसके बाद ओवरराइड करना शुरू अब इन फिक्स पोस्ट फिक्स ऑपरेशन ध्यान रहा लेकिन सर्वर साइड बने ना ऐसे वही आपकी अरे अरे में इंडेक्सिंग कर दिया ना तो जहां आप ये कर रहे हैं ना आपने वो किया था पुश आपने क्या यूज किया वो टेम्पलेट्स यस सर हां तो कॉन्स ampersand obj object आ रहा है भाई उसके लिए आप यूजुअली ये करते थे ना कि आप कहते हैं यार ओके AR आ गया मेरी array है तो उसमें मैं क्या करता हूँ top plus plus equals obj this is how you can actually do a push to the top of the stack ऐसे ही अलग से मिलते जुलते कोडिंग अब आप ये नहीं करते अब आप ये चीज़ नहीं करते this should be replaced by top is equal to top plus 1 ampersand whatever k is to make it circular right so agar k size hai like let's say ki size agar 10 hai to jab bhi ye value 10 se 9 se exceed karti hai 0 se 9 tak values hai agar ye 10 pe aati hai to it again becomes equal is no pointer ki to sir do bani hai ek head ko jo continuously top karta tha point karta rahega aur ek ko agar current aage jata jayega ye hum linkless se nahi ho raha acha ye are acha ye are अरे के अंदर ये इंडेक्सिंग से काम चल रहा है तो टॉप हमारी इंडेक्स है ठीक है जो ही वो आगे जाने की कोशिश करती है वो दोबारा जीरो करती है तो बॉटम एलिमेंट जो है वो राइट हो जाता है सर और एक बता दें जो लिंक लिस्ट होती है उसमें दो पॉइंटर से कर सकते हैं सर्कुलर नाम उसे दो पॉइंटर नाम तो नहीं कि एक से टेल ही बस बनाना है आपको लेकिन सिर्फ टेल से तो काम कभी नहीं चलता नहीं है चाहिए मैक्स नोड के पॉइंट पे जो दूसरे पॉइंट होते हैं वो कांस्टेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादातर लोग एक या दो रखते हैं तो दो रखने का भी जो ज्यादा जरूरत है वो नॉन सर्कुलर में होती है ठीक है ना सर्कुलर में तो यू जस्ट लुक एट द नेक्स्ट ऑफ दिस एंड यू गेट हियर राइट तो टेल में ये फायदा कि यू कैन गेट टू हेड हेड पे रखोगे तो यू कांट डायरेक्टली गो टू टेल ठीक है सर्कुलर में सो इट्स प्रोबब्ली अ गुड आइडिया टू कीप द टेल राइट तभी पता हो गया नेक्स्ट वाला अनलेस कि ये डब्ल्यू लिस्ट डब्ल्यू लिंक अगर डबल लिंक का तो मसला है अभी तो अगर आखिरी वाले पे हैं डबल लिंक में ये वाला पॉइंट है वो नहीं है जर्नी तो जो सिंगल लिंक है उसके अंदर अगर तो सर्कल रहती है तो उसका पॉइंट है अगर सर्कल नहीं है तो देन समटाइम्स यू जस्ट पुट दिस थिंग देयर उसकी वजह ये है कि दिस हेल्प्स यू इन फंक्शंस लाइक ऐड एट एंड करना है कि यहां तक जाने की बजाय डायरेक्टली टेल को पकड़ो और यहां पे चीज आ जाती है राइट तो एड एंड बिगिनिंग बिगिनिंग कर दो ये लिंक देगा सर वो करा दे सर लेकिन अगर यहां पर एक पॉइंट है
को अगर उसको डायरेक्टली पॉइंट टू कर देना नहीं नोट नहीं रहेगा हां लेकिन वो उसको मतलब कि लास्ट वाली है ना उसको फर्स्ट वाली के साथ कैसे कनेक्ट करेगा उसका टेम का इसका नेक्स्ट है हमने वो डाल लिया फॉर नेक्स्ट इसका नेक्स्ट नल नहीं है वो यहां पॉइंट पर ठीक है अगर अब आप एक मेन नोट बनाइए नहीं नोट बनाइए अब आप इसके नेक्स्ट को उसके इक्वल कर लेंगे हां जी तो उसका जो नेक्स्ट है लेकिन पहले मैं इसको स्टोर करूंगा अभी पहले मैं करूंगा कि जो टेल का नेक्स्ट है ना उसे किसी टेम्प पे रखते हैं उसके बाद मैं एक नया रिकॉर्ड करूंगा चीज इसको मैं कुछ और कर लेता हूं लेट्स से करंट कर लेता हूं ठीक है जो करंट का नेक्स्ट है वो टेम्प हो जाएगा जो मैंने सेव किया ठीक है और जो टेल का नेक्स्ट है वो करंट हो जाएगा ये तीनों मूव्स देखें पहले मैं क्या कर रहा है पहली मूव ये कर रही है कि जो टेल का नेक्स्ट है ये वाला जो क्वार्टर है इसको कहीं सेव कर रहा है इसके एड्रेस को कहीं सेव कर रहा है ठीक है उसके बाद वो कहता है कि जो टेल का नेक्स्ट है ना इसको करंट को पॉइंट कर और करंट का जो नेक्स्ट है उसको यहां पॉइंट कर ये जो टेम्प भी मैंने सेव किया लेकिन ये टेंपरेचर पॉइंटर ही होगा ना टेम्प ही पॉइंटर तो दो पॉइंटर यूज होंगे ये टेम्प एक टेंपरेरी पॉइंटर है जो सिर्फ इस फंक्शन में ये मैंने यहाँ बनाया नोड स्टार्ट है लोकल वेरिएबल ये खत्म हो जाएगा असल में नॉन सर्कुलर सिंगल लिस्ट है तो उस लिंक लिस्ट है तो उसके अंदर हम लोग सिर्फ हेड ही रखते हैं टेल का फायदा यूजुअली हेड रखते हैं टेल भी रखते हैं तो टेल तो रिवर्स में तो आएगी हाँ नहीं आएगा लेकिन उसका फायदा होता है कुछ फंक्शंस में लाइक इंसर्ट एट एंड लेट्स से आप एक एज अ क्यू या स्टैक स्टैक में आप टेम्पर डाल रहे हो आपके ऐसे क्यू ज्यादा है इसलिए फिर आपको एंड के फंक्शंस को करने के लिए एफिशिएंट बनाने के लिए एंड का पॉइंटर चाहिए सर जो स्टैक वो लिफो थी या लिफो फीफो दोनों थे स्टैक सर लिफो है क्लास तो क्यू फीफो है तो सर ये जो आपने प्रॉब्लम तो भी नहीं है ना इसको एग्जाम में मैं सपोर्ट लिखा हो मुझे नहीं पता एग्जाम्पल So infix basically infix तो यही होता है जो आपको पता है 3 plus 5 minus 2 divided by 1 example ये जो expression है ये एक infix expression है इसके अंदर जो आपके operators हैं वो आपके operands के दरमियान रहते हैं ठीक है और इस particular किस्म के जो ये जो notation है ना इसका प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें प्रेसिडेंसी कोई इंफॉर्मेशन है लाइक कंप्यूटर अगर इसको देखता है तो उसको मुझे इसको बताना पड़ेगा कि यार इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है या तो फर्क नहीं पड़ता ना लेकिन लेट्स से 4 बाय 2 है तो इसमें एक्चुअली ये डिवीजन पहले होनी चाहिए डिवीजन होगी फिर उसके बाद क्या होगा फिर ये एडिशन होनी चाहिए फिर सबट्रैक्शन सर प्रेसिडेंस और मेंस को ऐसे भी बतानी होगी नहीं पोस्ट फिक्स के अंदर प्रेसिडेंस होती है लाइक फॉर एग्जांपल उस स्टैक में डिवाइड और आगे प्लस आ गया तो उसको बताना पड़ेगा कि डिवाइड कर लेंगे नहीं उस स्टैक में मैं पोस्टफिक्स में जब कन्वर्ट कर रहा हूं तो वो मैं क्या कर रहा हूं वो प्रेसिडेंस के मुताबिक कर रहा हूं पोस्टफिक्स में जब कन्वर्ट कर रहा हूं तो इस जब पोस्टफिक्स बन जाता है तो उसके अंदर प्रेसिडेंस की इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर होती है ये कि अगर आपके कंप्यूटर को मैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दे दूं तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को देख के उसको पता चल जाएगा पहले क्या करना बाद में करना जी इसलिए हम पोस्टफिक्स बनाते हैं इसका पोस्टफिक्स क्या बनेगा 4 और 2 की डिवीजन होनी चाहिए राइट 3 और 5 का प्लस होना चाहिए अंदर इनका सबट्रैक्ट होना चाहिए ये सो दिस विल एक्चुअली टेल यू कि क्या क्या होना चाहिए ये क्या ये किस चीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा कि 5 माइनस 4 ना हो जाए 5 माइनस 4 पहले नहीं हो सकता बिकॉज 3 और 5 ऐड होंगे से डिवाइड होगा जो आंसर आएगा वो फिर माइनस ठीक है
तो क्या इसका यूज है? इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू पोस्टफिक्स तो जब ऑपरेंड आता तो मैं क्या करता स्टैक में चला जाता यहां से चला ठीक जीरो क्यों जाता सर जीरो भी कर दो यार तुम सर नहीं आपको ऐड करना पड़ेगा अल्टीमेट गोल ये है नहीं कंप्यूट भी कर रहे हो अच्छा हां कन्वर्ट कर रहे कंप्यूट का काम बाद में है मैं कंप्यूटर को दे दूंगा कंप्यूटर अच्छा ठीक है 3 यहां आ गया 5 यहां 5 यहां नहीं पहले प्लस आएगा हां बोल रहे सही है ये आपका आ गया ऑपरेंड ऑपरेंड हो गया आ गया थ्री इधर आ गया फाइव का क्या बनेगा वन प्लस का क्या बनेगा उधर चला जाएगा इधर चला गया फाइव इधर आ गया तो अब बेसिकली पोस्टफिक्स क्या कर रहा है ये जो है ना कि आपका जो स्टैक है आप इसके बारे में ऐसे सोचें कि ये वेटिंग रूम है ठीक है और ऑपरेटर क्या बैठे वेट कर रहे हैं कि उनकी बारी का बारी और मसला ये कि ये जो प्लस है ना इसको मैं फौरन बारी नहीं दे रहा क्योंकि हो सकता है कि इससे ज़्यादा अहम शख्सियत कोई और है सही है ना ये वी आई पी वेटिंग रूम है बड़े वी आई पी जाने का काम कर रहा है प्लस आ गया तो बेटर है आगे अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई कि जो इससे भी ज़्यादा क्योंकि आप देख रहे हैं कि आगे जाके वो आएगा कुछ समथिंग ऐसे तो हम उसको वहाँ पर ओके तो अगली चीज़ क्या आएगी माइनस 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 आएगी तो क्या होगा सेम ही उसकी प्रेसिडेंस नहीं एक्चुअली माइनस की प्रेसिडेंस कम होती है प्लस प्लस से प्लस वो हो जाएगा हां हां तो वो आपको पता ना प्रेसिडेंस का रूल होता है यस सर द मैथ्स वॉल्टास हमने ये पढ़ा था पर ये हम बड़े बड़े बंदे ब्रैकेट हां ये ब्रैकेट का चले बैड ब्रैकेट वाला गांव भी छोड़ देता है ब्रैकेट ओवर ये क्या होता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और फिर सबट्रैक्ट पावर कोई पावर टू इधर आएगा अब ये आ गया तो खत्म हो गया
इनपुट खत्म हो गई तो ये पॉप करेंगे आप, ये पॉप किया तो ये यूनिट बन गया, ठीक है जी। और उसके बाद माइनस आ जाएगा, ये आपका बेसिकली वही चीज़ है जो ये तो जनरल एल्गोरिथम क्या है, जनरल एल्गोरिथम ये है कि जब आपके पास ऑपरेंड आते हैं तो आप पहला ऑपरेंड उसमें चला जाए, उसके बाद अगर एक ऐसा ऑपरेंड आता है जिसकी प्रेसिडेंस इस ऊपर बैठे हुए ऑपरेंड से कम है, ऊपर वाला ऑपरेंट कहता है कि नहीं ये बंदा जो है इसका ऑपरेंट प्रेसिडेंस मेरे से कम है, ये मेरे ऊपर नहीं बैठ सकता। अच्छा सही है, तो उससे क्या होगा कि जो ऊपर वाला ऑपरेंट चला जाएगा और अगर ज्यादा प्रेसिडेंस वाला वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा प्रेसिडेंस वाला ऊपर आता जाएगा अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर प्रेसिडेंस पे आते जाते हैं तो। सर ये तो गया प्रीफिक्स, हां प्री पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स में क्या कहते हैं प्रीफिक्स के, वो प्रीफिक्स नहीं होता ऑपरेटर्स पहले आए ऑपरेंड बाद में, हां ये प्रीफिक्स यूज होता है होते हैं हमारी में, सर वो दोनों ही होता वो एक ही बात होती है, ये यूज करो या वो यूज करो, यू कैन टेक एनी वन ऑप्शन एक्चुअली। अगर आपने ये करना है इससे उल्टा करना है तो आई थिंक पोस्टफिक्स में तो अच्छा होगा ना कि ऑपरेंड्स पहले आते हैं एंड देन ही पुट द थिंग ऑन टॉप ऑफ इट, राइट। लेकिन लाइक इन अ प्रीफिक्स आई थिंक यू विल हैव टू डू द ऑपोजिट थिंग, दैट्स व्हाई दे डोंट यूज प्रीफिक्स, राइट। सर हमारी मैम ने तो पता नहीं क्या दिया, I can't think of it right now. I think it's stacks se to nahi hoga. Complex ho jayega. Stack se shoot nahi karta. Okay. What the question of exam mein kya hai? Exam mein bas aap ko neend puri kar gaya hai. Nahi main nahi laga bhai. Video chal rahi hai. Ye na ho ke neend puri karke aa jao. Any more questions that I can answer otherwise? हाँ बल्कि यार attendance ले लिया, चलिए मैं just all present कर दूँ। सर इसमें अगर associativity define करनी हो। किस चीज़ में? Associativity। ओह हाँ। सर? सर? मैं आपको कुछ question और बता दूँ, एक अगर आपने और practice के करना है, link list delete करना for example, बहुत है? एक सर गणित तो आप देखी नहीं, एक और मैथड ही है, चले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मैथड बताता हूँ। थैंक यू सर, आपके पास ये लिंक लिस्ट है, ठीक है, और इस लिंक लिस्ट के अंदर ना रियल वैल्यूज पड़ेगी लाइक 1.5, 1.3, सॉरी 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, रियल नंबर्स पड़े हैं, सो ऑन ये यहाँ तक एंट्री करता हूँ, ठीक है। और ये सॉर्टेड है सारे ऑर्डर में, आपको एक ये बताया हुआ है कि यार इतनी ऐसी सारी कंसेक्यूटिव नोट्स जिनका के डिफरेंस अपनी स्टार्टिंग नोट से 1.0 से कम है उनको आपने कलैप्स कर देना। फॉर एग्जांपल यहां पे 1.2 1.3 के जो आपस में डिफरेंस है वो 1.0 से कम है, तो यू कलैप्स दिस टू जस्ट द फर्स्ट नोट व्हिच इज 1.2, एक्चुअली 2.1 का भी इससे डिफरेंस कम है तो वो भी कलैप्स हो जाएगी, तो द नेक्स्ट नोट विल बिकम 2.5। एक तो आप एक लिस्ट में से गुजरू करें, अगर आप एक नोट को देखते हैं उस नोट में एक वैल्यू लिखी हुई है वी, अब इससे आगे जितनी नोट है जो कि वी से 1.0 से लेस अबाउट है, राइट, वी प्लस 1.0 से पहले आती है वो, उन सबको कलेप्स करके एक सिंगल नोट बना देनी जिस पर वी पड़ा, ठीक है। सो इट्स अ प्रैक्टिस इन हाउ टू डिलीट वेरिएबल नंबर ऑफ नोट्स फ्रॉम अ लिस्ट, सो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आपको ये भी डिलीट करना, ये भी डिलीट करना, राइट। इसी तरह नेक्स्ट आपको यहाँ से है तो फिर अगर यहाँ पर 2.7 पड़ा हुआ वो डिलीट हो जाएगा, 2.8 वो भी डिलीट हो जाएगा, 2.3 डिलीट, 2.9 डिलीट हो जाएगा, 4.5 आता है वो सर्वाइव करेगा, वो नेक्स्ट सर्वाइविंग मोड होगा, सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये भी लिख के लिखिए भाई कैसे, चलो सही है। लेट मी जस्ट मार्क एवरीबॉडी एज़ प्रेजेंट यार, असाइनमेंट्स ले लो।